Very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today, in arithmetic progression AP, जो chapter हमारा fifth chapter है class 10th mathematics का. Last video में हमने आपको कुछ basic introduction इसका करवाया था. AP क्या होती है, कैसे बनती है, क्या first term होती है, क्या last term होती है, कैसे इसमें difference check करते हैं. कोई भी sequence का AP बन जाती है. अगर AP है तो उसमें difference या फिर हम terms को कैसे identify करते हैं. और उसी के बेसिस पे हमने जो 5.1 थी एक्सरसाइज हमारी, जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें सिर्फ यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फॉर्म्स एन एपी एंड वाई, तो वो हमने किया था. अब उससे आगे देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे. मैंने आपको बताया था कि इफ़ एनी सिक्वेंस फॉर्म्स एन एपी such as that a1 a2 a3 and up to last nth term, right? तो इसमें जो a1 होती है बेटा, ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म. a2 जो होती है दैट इज सेकेंड टर्म. a3 जो होती है दैट इज थर्ड टर्म. एंड सन अप टू an जो होती है दैट इज nth या फिर लास्ट टर्म, ये होती है. ठीक है, A1 तो फर्स्ट टर्म होती है जो हम A से रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में. A1 या A बोथ आर सेम, दैट रिप्रेजेंटेड ए फर्स्ट टर्म. फिर उसके बाद जो आपकी A2 आती है बेटा, वो होती है A1 प्लस D. अगर मैं उस फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी. सिमिलरली मैं सेकंड टर्म में अगर D ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड टर्म आ जाएगी. सिमिलरली अगर मैं इस थर्ड टर्म में D ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन. मतलब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप उससे AP लिख सकते हैं, और अगर आपके पास AP दी हुई है तो उससे आप फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका क्या है, देखिए क्या कहता है. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन. कहता है कि आप किसी AP की पहली 4 टर्म लिखिए अगर उस AP की फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस हम आपको दे तो. जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट, उसमें फर्स्ट टर्म आपको 10 दी है और कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया है. तो A यानी कि क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ए फर्स्ट टर्म को, ये तो आपको दी है 10, और जो डी दैट इज कॉमन डिफरेंस ये आपको दिया है बेटा 10. राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म, जैसे A3 थी A4, ये 4 टर्म आपको लिखनी है. तो फर्स्ट टर्म आप कैसे लिखेंगे बेटा, A1 से. सेकंड टर्म किससे लिखेंगे, A2 से. थर्ड टर्म किससे लिखेंगे, A3 से. फोर्थ टर्म किससे लिखेंगे, A4 से. ठीक है, ये फर्स्ट 4 टर्म आपको बतानी है. कब, जब आपको फर्स्ट टर्म दी है और क्या दी है, कॉमन डिफरेंस. अर्लियर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास AP है तो उस AP से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होगा सेम तभी तो AP बनेगी. और अगर AP है इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी हो सकती है, कॉमन डिफरेंस तो हो गई. उसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो AP बना सकते हैं, जस्ट वाइस वर्सा. अब A1 जो है वो तो A ही होती है ना. A1 क्या होती है, A, और A कितनी बेटा आपकी 10, इट मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी होगी 10. ठीक है, सेकंड टर्म A1 प्लस D. तो सेकंड टर्म लिखने के लिए मैं फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दूंगा, और D कितना बेटा आपका 10, 10 प्लस 10 20. थर्ड टर्म के लिए मैं सेकेंड टर्म में फिर D ऐड कर दूंगा, देखो ना A2 प्लस D, A2 कितना है 20 प्लस 10 दैट इज 30. A4 A3 प्लस D, एंड A3 इज व्हाट 30 प्लस 10 एंड दैट इज व्हाट 40. तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे लिखेंगे हम, A1 A2 A3 एंड A4. What is A1? 10.
ए टू 20, ए थ्री 30 एंड ए फोर इज 40. 10, 20, 30, 40. These all are the respective terms and they forms an AP whose first term is 10 and common difference सबका देखो कितना है 10. ऐसे AP बनती है आपके. तो जब भी आपके पास first term दी हो, common difference दिया हो, difference में भी positive, negative और zero, difference कुछ भी हो सकता है, right? ऐड करते जाओ. अगर फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें ऐड कर दोगे, उससे अगले टर्म आ जाएगी उसमें फिर ऐड करो, बढ़ती चली जाएगी. और अगर एपी है तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट. ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट. सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए. फर्स्ट टर्म बेटा आपको दी है -2 और कॉमन डिफरेंस 0 दिया है. क्या दिया है? 0. फर्स्ट टर्म है बेटा आपकी -2 और कॉमन डिफरेंस है 0. थोड़ा सा डिफरेंस जीरो, इसका मतलब डिफरेंस जीरो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो एपी है वो चेंज नहीं हो रही. जीरो डिफरेंस का मतलब सेम नंबर रहने हैं, क्योंकि सेम नंबर का ही डिफरेंस क्या आ सकता है? जीरो. जैसे मैं ये लिखूं 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, ये एपी है. क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है. मैंने यही बोला था ना आपको, कोई भी सीक्वेंस या सीरीज़ अगर सेम नंबर ऑफ डिफरेंस से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी जाए तो वो क्या होती है? एक एपी होती है. तो उस एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट इज़ द मेन रीज़न. और इसमें डिफरेंस सब में जीरो है, देख लो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा. तो डिफरेंस मैंने बताया आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस जीरो है बेटा, क्योंकि एपी कभी भी यहाँ चेंज नहीं हो रही किसी भी टर्म पे. तो जब जिस केस में एपी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उस केस में एपी का जो डिफरेंस है दैट इज जीरो. इट मीन्स एनी सीक्वेंस और सीरीज दैट कैनॉट बी चेंज एंड ऑल आर नंबर फिक्स्ड, देन दे फॉर्म्स एन एपी हुज डिफरेंस इज जीरो. तो आपके पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, वही फोर टर्म लिखनी है आपको, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर, ठीक है. ए वन कितनी है आपके पास? 10, सॉरी -2. ए वन कितनी है? -2, क्योंकि ए वन ए ही तो होती है बेटा. ए वन क्या होती है? ए, जो कि फर्स्ट टर्म होती है आपकी, -2. ए टू क्या होगी? ए वन में डी ऐड करेंगे, -2 में आप जीरो ऐड करो क्या आएगा? -2. ए थ्री ए टू में फिर डी ऐड करो, -2 प्लस जीरो अगेन -2. ए फोर में फिर ऐड करो ए थ्री में डी, -2 प्लस जीरो. इट मीन्स द फर्स्ट फोर टर्म्स आर -2 -2 -2 एंड -2. ये ए पी होती है आपकी, राइट. चलिए नेक्स्ट पार्ट. कॉमन डिफरेंस बेटा आपको 4 दिया है, फर्स्ट टर्म 4 दी है और कॉमन डिफरेंस आपको -3 दिया है. तो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है. एक बात बता दें आपको, जब भी किसी भी सीक्वेंस या सीरीज या फिर एपी, अगर एपी का डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी, हमेशा होगी. और अगर उस एपी का डिफरेंस नेगेटिव है, इट मींस दैट इज ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. और उस एपी का डिफरेंस अगर जीरो है, इट मींस दैट नेवर बी इन असेंडिंग नॉर इन डिसेंडिंग, दैट ऑलवेज फिक्स्ड. तो ध्यान रखेंगे, अगर एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मींस द डी इज पॉजिटिव. अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मींस डी इज नेगेटिव. अगर एपी चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब डी क्या होगा? जीरो. आपने देखा यहाँ पे डी पॉजिटिव था, इस केस में 10 था, 10 20 30 40 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डी यहाँ जीरो आया तो हमारी एपी चेंज ही नहीं हुई, बिल्कुल फिक्स रही. और अगर डी माइनस का आए तो क्या होगा देखना. फर्स्ट टर्म तो क्या रहेगी बेटा? 4. अब 4 में -3 ऐड करूँगा, 4 -3 1, फिर 1 में -3 ऐड करूंगा -2, फिर इसमें -3 ऐड करूंगा -5. देख लो 4 से -5 हो गई, आई ना डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये लॉजिक होता है. तो जब भी किसी एपी का डी पॉजिटिव है, इट मीन इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. डी नेगेटिव है, डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड इफ इन एनी केस डी इज जीरो, देन एपी इज नॉट चेंज, राइट. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ए -1 डी हाफ.
ए कितना देते बेटा माइनस वन, और डी कितना है हाफ। तो सिंपल सा लॉजिक है सर कि हमें तो वही प्रोसेस यूज़ करना है, कौन सा, यही वाला जो उधर लिखा हुआ है टर्म्स का, कि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ए वन जो होती है वो ए ही होती है, और ए कितना इस केस में माइनस वन, ए कितना है माइनस वन। ए टू जो होगा वो क्या होगा, ए वन प्लस डी, ए वन कितना है माइनस वन, प्लस डी कितना बेटा हाफ, कितना बचेगा माइनस हाफ। ए थ्री कितना है, ए टू प्लस डी, ए टू कितना बेटा माइनस हाफ, डी कितना है प्लस हाफ, कितना बचेगा ज़ीरो। ए फोर, ए थ्री प्लस डी, एंड दैट ए थ्री इज़ व्हाट ज़ीरो, प्लस डी इज़ व्हाट हाफ, दैट इज़ हाफ। देन द टर्म्स ऑफ एन ए पी आर माइनस वन माइनस हाफ, दिस इज ज़ीरो। बस सिंपल सा लॉजिक है, टर्म्स चाहे कैसी भी दे कितनी भी दे, लॉजिक हमारा वही रहेगा कि फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उस फर्स्ट टर्म में वो डी ऐड करते जाएंगे, चाहे डी प्लस का हो माइनस का हो या फिर ज़ीरो हो। प्लस का होगा तो ए पी बढ़ती चली जाएगी, माइनस का होगा तो ए पी घटती चली जाएगी, और अगर ज़ीरो होगा तो चेंज नहीं होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज द फॉर्मेट हाउ वी राइट एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, उसमें उल्टा दिया बेटा आपको। फॉर द फॉलोइंग ए पीज, कह रहे कुछ ए पी हम आपको दे रहे हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेज, कि उन ए पीज के फर्स्ट टर्म और क्या लिखिए कॉमन डिफरेंस, जस्ट इसका उल्टा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसका उल्टा। इसमें आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे के आपसे ए पी पूछवाई थी, अब उसमें आपको ए पी दे रहा है और क्या कह रहा है कि इसके फर्स्ट टर्म और क्या लिखिए कॉमन डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया किसी भी सिक्वेंस या सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है वही उस ए पी की फर्स्ट टर्म होगी, और अगर वो ए पी है तो डिफरेंस सेम होगा 100%, क्योंकि डिफरेंस सेम था तभी तो ए पी बनी, क्योंकि डिफरेंस सेम था तभी तो ए पी बनी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट में ए पी दी है आपको, मैं लिखता हूँ अभी यहाँ बोर्ड पे क्या क्या दी है ए पी, देखिए ध्यान से। थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री एंड सो ऑन, माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन एंड सो ऑन, वन बाई थ्री फाइव बाई थ्री नाइन बाई थ्री थर्टीन बाई थ्री एंड सो ऑन, ज़ीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन। ये कुछ ए पीज दी हैं, कह रहे का इन ए पीज के आप कॉमन डिफरेंसेस और इनके फर्स्ट टर्म्स लिखिए। देखिए ये फर्स्ट ए पी आपकी, ये सेकंड ए पी है, ये थर्ड ए पी है, और ये फोर्थ ए पी है। क्या करेंगे, थ्री वन माइनस वन थ्री, ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, ये फर्स्ट टर्म है बेटा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो बोला सर अभी आपने बताया था कि जो ए वन है वही ए होती है, जो ए वन है वही ए होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी इसकी थ्री। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो, दो कंजिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है, नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग। तो मैंने ए टू में से ए वन माइनस किया, वन माइनस थ्री माइनस टू, क्योंकि सेकेंड टर्म वन है फर्स्ट टर्म माइनस थ्री है, वन माइनस थ्री माइनस टू। वो कैसे, मतलब सर प्लस थ्री से देखो माइनस थ्री होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है ए पी आपकी, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होगी तो डी कैसा होगा नेगेटिव, डी माइनस टू। सिमिलरली ए कितना होगा माइनस फाइव, इसमें ए कितना होगा माइनस फाइव, डी वही ए टू माइनस ए वन, तो ये आपका माइनस वन है और वो आपका माइनस फाइव है। देखिए ध्यान से, माइनस से प्लस हो रही है इसका मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो ये कितना होगा देखो, माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव माइनस वन फोर, डी कितना होगा प्लस फोर। सिमिलरली ए तो इसका अंडरस्टूड है कितना है वन बाई थ्री, डी कितना होगा ए टू माइनस ए वन फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री
एलसीएम कितना लेंगे, 3, 5, -1, 4, और डी कितना आएगा 4/3। सिमिलरली इसका ए कितना होगा बेटा 0.6, एपी तो है ही, तो डी कितना होगा a2 - a1, ए टू कितना है 1.7 - 1.6, कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए आप, यहाँ से 17 - 6 = 11, 1.5 ऐसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके पास ए ओ डी दिया था तो हमने ए पी बनाई थी, अब हमारे पास कुछ ए पीज दिए थे तो हमने उनकी फर्स्ट टर्म और क्या लिख दिए, कॉमन डिफरेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4th। उसमें सिर्फ इतना दिया है कि कुछ सीक्वेंस आपको दी है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इसमें ए पी है या नहीं है, अगर है तो उनकी नेक्स्ट टर्म भी लिखिए, ऐसा कुछ उसमें आपको दिया है। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।